नाभि डिगने की समस्या, हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से नाभि वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं मानी जाती है, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि नाभि हटने से पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, प्रैक्टिकली हमने देखा है। यदि आपकी नाभि हटी हुई है या नहीं हटी हुई है, ये मापने का भी उपाय है, माप करके भी देखा जा सकता है। पर ये यदि आपको पता भी नहीं है कि हटी कि नहीं हटी है, यदि आप देखते हैं कि पेट में बहुत हार्डनेस है, आप देखेंगे कि अपनी काफ को, पिंडलियों को यदि इसको दबाते हैं, कोई दबाने वाला व्यक्ति है तो उससे दबाइए। पेट को दबाने की जरूरत नहीं है, ना छूने की जरूरत है, सिर्फ आपको पिंडलियाँ दबानी है। 3-4 मिनट एक पैर को और 4-5 मिनट 3-4 मिनट दूसरे पैर को, दोनों को। या फिर घर में जैसे कोई बच्चा है, आप उल्टे लेट जाइए, लेट करके उसको कहिए कि धीरे धीरे पैरों से पिंडलियाँ दबा दें, और आप देखेंगे यदि पेट में भारीपन है, गैस बन रही है या बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, तो तुरंत वो पेट सॉफ्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स। यदि अभी आपने खाना नहीं खाया तो अभी घर पर करके देख सकते हैं, अभी तत्काल, यानी तुरंत खाओ, पाओ करो और तुरंत पाओ। आप देखिएगा, अभी पेट में हाथ लगाइए, पेट टाइट है, इधर दबाइए, फिर इधर देखिए, ये सॉफ्ट मिलेगा, इतनी देर का काम है। यदि आप इस अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं, सुबह हर रोज आप सुबह खाली पेट करिए इस अभ्यास को, तो आप देखेंगे कि पेट की समस्या, नाभि डिगने की समस्या, वो उसमें पूरा लाभ होता है। हालांकि नाभि ठीक करने के उपाय भी होता है, हमारे योगाचार्य जानते हैं, कुछ आसन भी, आसनों में जैसे नौकासन, पैरों को और हाथों को हम आगे उठा करके करते हैं, या ये पादंगुष्ठ नासस्पर्शासन, मरकटासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारे पेट को भी ठीक रखते हैं, पूरा हमारा डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखते हैं, प्लस नाभि हटी हुई है तो नाभि को भी ठीक करते हैं। तो इसीलिए प्राणायाम के साथ में कुछ आसनों का यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो, और कपालभाति को यदि आप ठीक से करते हैं तो नाभि धीरे धीरे वो अपनी जगह पर आती है। तो इन चीज़ों को आप जरूर करते रहिए।